महिला की हत्या कर शव फेंका हाईवे पर, मोरिजा पुलिया पर मिली लाश। पुलिस का दावा, गला दबाकर महिला की हत्या कर यहां फेंका गया शव। कुछ दूरी पर मिला परेशानी लिखा लेटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव राजस्थान। चौमू थाना इलाके में NH 52 पर मंगलवार देर रात एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस प्रत्यक्ष जांच में महिला की हत्या कर शव फेंकना सामने आया है। पुलिस को मृतका के पास एक लेटर मिला है जिसमें उसकी परेशानी के बारे में लिखा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। SHO हेमराज सिंह गुज्जर ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे NH 52 हाईवे पर मोरिजा पुलिया पर एक महिला की लाश पड़ी मिली। शव मिलने पर पता चलने पर स्थानीय लोगों में सनसनी फैल गई। वे अपने घरों से निकल कर आए और मौके पर इकट्ठा हो गए। लोगों की सूचना पर पुलिस को मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना किया, जिसके बाद शव को एम्बुलेंस की मदद से हॉस्पिटल की मोर्चरी में भिजवाया गया। पुलिस का कहना है कि मृतका की पहचान गुलाब देवी पत्नी भंवर सिंह मीणा निवासी मीणा कॉलोनी दोसा के रूप में हुई है। वे दिल्ली में बिजली विभाग में कार्यरत है। पुलिस प्रथम दृष्टया जांच में सामने आया कि महिला की हत्या कर गला दबाकर की गई है। कहीं और जगह महिला की हत्या करने के बाद शव को यहां फेंक गया है। पुलिस ने FSL टीम को जांच के लिए बुलाया है। केस 7 परिजनों को सूचना दे दी है, जिसके आने के बाद मेडिकल वार्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। लाश की कुछ दूरी पर मिला परेशानी लिखा लेटर। लाश के पास से टाइप हुआ 2 पेज का परेशानी लिखा लेटर मिला है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है कि लेटर में लिखा है कि मैं गुलाब देवी पत्नी स्वर्गीय भंवर सिंह मीणा कॉलोनी दोसा राजस्थान की रहने वाली हूँ। मेरे पति की 1944 में मृत्यु हो गई थी। मेरे पति की मृत्यु के समय मेरे बेटे की उम्र 1 वर्ष थी। मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखाया और स्थानक पास करवाया, जिसके बाद मेरे लड़के को मेरे भाई ने कहा कि तुम दोसा से बीएड कर लो। मेरे लड़के ने बीएड की फीस 80,000 रुपये जमा करा दी। उसके बाद उसके मामा ने मेरे लड़के को बोला कि आप दोसा में एक प्लॉट खरीद लो, मैं तुम्हारी शादी अपनी साली से करवा दूंगा। मैंने अपने पास से 27 लाख रुपये दिए थे। उन्होंने 13 लाख रुपये का प्लॉट अपने घर के पास दिला दिया था और 14 लाख रुपये का प्लॉट मीना पहाड़ी जयपुर में दिलवाया था। मेरे भाई ने 13 लाख रुपये वाला प्लॉट तो मेरे लड़के के नाम करवा दिया, लेकिन दूसरा प्लॉट 14 लाख रुपये मीना पहाड़ी जयपुर में खरीदा था, वह उसने अपने नाम कर किया हुआ है। प्लॉट में लेने के बाद मेरा लड़का 3 साल दोसा में ही रहा। इस दौरान ना तो वो मुझे मेरे बेटे से बात करने देते थे और ना ही मुझे उससे मिलने देते थे। मेरा लड़का 21 मई 2020 को उसके घर पर मृत्यु पाया। वही लोग उसे एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल ले गए, जहां पोस्टमार्टम प्रतिसंकलन में ये पाया गया कि उसकी मृत्यु किसी जहरीले पदार्थ को खाने से हुई है। अस्पताल से ही उसका मामा और मौसा उसकी मृत्यु शरीर को एम्बुलेंस से शमशान भूमि ले गए। उसके बाद मुझे मेरे बेटे की मृत्यु की सूचना दी गई। मेरे शमशान भूमि पर पहुंचने से पहले ही मेरे भाई ने उसका दाह संस्कार कर दिया। मुझे आखिर इस समय वे भी मेरे बेटे का मुंह तक नहीं देखने दिया था। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा भाई गिरिराज प्रसाद मीणा व रमेश चंद मीणा और मेरी बहन का पति राधा किशन मीणा मुझे बहुत परेशान करते हैं। जय हिंद।